हे गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो घर बैठे बैठे ना एकदम सब बोर हो रहा था, तो तुरंत प्लान बनाया कि चलो जाया जाए रबर गार्डन। हाँ हाँ, वही रबर जिससे जूते चप्पलें बनते हैं ना, और भी बहुत सारा कुछ सामान बनाया जाता है उससे। तो आज प्लान है कि रबर गार्डन जाया जाए और आपको दिखाया जाए कि रबर कैसे निकाला जाता है, बड़े बड़े रबर के जो पेड़ होते। सच बोलूँ ना, इस बार छुट्टी में ना जैसे गाँव आया ना, इतना सुस्ती हो गया हूँ ना। मैं पूरा रेस्ट कर रहा हूँ हर समय, पर खुद को पूरा रिलैक्स फील कर रहा हूँ। जैसे जंगल में आता हूँ ना, पहाड़ी में आता हूँ ना, मज़ा ही आ जाता है, एकदम आनंद ही आनंद आ जाता है। हरी भरी पेड़ पौधे, क्या बोलो। आप एक सीन देखो ना, देख के आप खुद भी सोच सकते हो कि मैं कितने रिलैक्स फील कर रहा हूँ यहाँ पर आने के बाद में। चलिए, गार्डन पहुँच गया हूँ, अभी देखते हैं अंदर जाके और आपको भी दिखाते हैं। सो हम पहुंच गए हैं रबर गार्डन के वहाँ तक। तो आगे गाड़ी लेके नहीं जा सकते, बाई वॉक निकलना है। और एक छोटा सा ये क्या बोलते हैं इसको, क्या बोल सकते हैं इसको पंकज, गली नहीं नहीं गली नहीं, ये जो झील जैसा है ना, इसको झील तो नहीं बोला, तालाब। हाँ, ये तालाब बोल सकते हो। ये नेचुरली बना हुआ है, अभी शायद बरसात का सीजन नहीं है ना, इसलिए सूख गया। पर ये नेचुरली बना हुआ है ना। हाँ, ये नेचुरली बना हुआ है क्योंकि दोनों साइड पहाड़ी है, बीच में जो वैली जैसा बनता है उसमें पानी जमा हो जाता है। तो ड्रोन भी लेके आया हूँ, ड्रोन भी फ्लाई करेंगे। মানে শীত সিজন গরম সিজন, গরম সিজন তাই আছে। হ্যাঁ, সব বেদান থাকে রাখতো। ও তো ভাই বল রহা না কি আমি একদিন হইছে, হ্যাঁ এমন হাওড়া দিছি আমার ফাদুন মধ্যে সাপ আছে, কি কি জাতের সাপ থাকে, তো বিষাক্ত সাপ থাকবে নিশ্চয়ই, ভালো ভালো সাপ। ভাই বল রহা ইয়াহ পে সাপ বহুত হ্যায়, তো ভাই নে কাফি বার এসা দেখা, মতলব কাফি সারা জহরিলা সাপ বগরা। গরমি কা মৌসুম মে জাদা হোতি অবভিয়াসলি, ठंड के मौसम में डीप स्लीप में चला जाता है। यहाँ पे फिश बहुत सारा होगा तो लग रहा है मुझे। यार आप बताना, 360 कैमरा ही बेटर है या फिर जो GoPro में यूज कर रहा था पहले वही सही है? मुझे तो यही सही लगता है, आप बताना। यार मस्त जंगल है। सो पहुंच गए गार्डन पे, ये तो सर टी गार्डन रहा, क्योंकि ये पहाड़ी है तो इसलिए आपको गार्डन एकदम प्लेन नहीं मिलेगा। ये रही रबर की ट्री, आप देख रहे हो ये रबर की जो लिक्विड है ना, ये कलेक्ट हो रही है। इसके बाद क्या करेगा, इसके बाद ये लिक्विड को ले जाके এটা তো দেখাইতে লাগবো, চলো এটার আলাদা ভিডিও বানাই লাগবো। ওকে, তো ইসকো কেসে কিয়া জাতা হ্যা না, উসকা অলগ সে ভিডিও বানায়েঙ্গে। ওয়া, কিয়া মস্ত নজারা হ্যায়। ও তো भाई बोल रहे हैं कि आगे वहाँ तक भी जा सकते हैं, तो अंकल भी वहाँ पे है, तो चलिए चलते हैं और देखते हैं ना वहाँ पे कैसे क्या कर रहे हैं। देखो यहाँ पे भी है, वही पानी भी जमा हो गया ना, मुझे लग रहा है ना ये जो कट करते तो यहाँ से लिक्विड ऐसे करते हुए ना यहाँ पे कलेक्ट होता है, फिर ये ले जाते हैं तो अकॉर्डिंग टू उसका क्वांटिटी या फिर क्वालिटी के हिसाब से उसको प्राइस मिलता होगा। ये भी है यहाँ पे,
थोड़ा सा ओके मंकी भी है। ये रबर की पेड़ है ना, इसमें ना आप सावधानी बरतना पड़ता है क्योंकि इससे मतलब आग लगने की संभावना ज़्यादा होती है, तो इससे भी बच के रहना पड़ता है। बस अतरू को काट ले भेजे ना, काफी अभी अपने देखा ऐसे करके काट किया और फिलहाल तो एकदम लाइव निकल रहा है लिक्विड। अरे तो किसी समय मध्य भर्ती हो जाए बना जैसे কি যখন ফেলাইছে তো এগুলো তো লয়ে যাবো আয়া পঙ্কজে। আপকো ইডলি দিখাতা হুম, মেরে ভাই লেকে ইডলি বেচ রা হ্যায় রাবার কি বাগান। ये देखो एकदम इडली जैसा नहीं दिख रहा है, डिट्टो। किसी को इडली और थोड़ा सा सांभर देके दे देंगे ना, सभी लोग सोचेंगे इडली है ये, खा भी लेंगे ना। हाँ, रबर का इडली। आई थिंक बारिश होने वाली है यहाँ पे, वेदर जो फोरकास्ट है उसमें भी दिखा रहा है बारिश होने वाला है। ड्रोन उड़ाने के लिए थोड़ा सा जगह मिल गया तो जाके देखते हैं। थोड़ा सा ओपन स्पेस है, ये थोड़ा सा ओपन स्पेस है, आई होपफुली यहाँ पे ड्रोन फ्लाई कर पाऊँगा मैं, जमीन गीली ना हो वहाँ पे। और एक भाई यहाँ पे रबर निकल रहे हैं, रबर निकल रहे हो हैं, समझा नहीं क्या बोल रहे हो? नहीं मैं तो ऐसे ही अंकल का गार्डन घूमने आया ना, तो घूम घूम के वीडियो बना रहा हूँ, तो आपको भी देखा तो अब काफी सुबह आए हो लग रहा है। हाँ, इसीलिए अपने लाइट लगा के रखा है अपने। सही बात है। तो सभी लोग लिक्विड कलेक्ट कर रहे हैं इस तरह से रबर का। ये भाई ना सुबह 4 बजे आ गया, बोल रहा है इतनी अर्ली आना पड़ा, ये एक एक पेड़ों को करना पड़ता है, फिर जो बोल रहे थे स्क्रैप वो भी कलेक्ट करना पड़ता है इसीलिए। अरे यार ड्रोन को फ्लाई करेंगे बोल के सोच रहा था पर अचानक से मौसम बिगड़ गया। अभी ये रबर ट्री की वजह से आपको मालूम नहीं चल रहा होगा और पूरा स्काई क्लाउडी, एकदम डार्क क्लाउडी हो गया, तो ऐसे वेदर में ड्रोन उड़ाना सेफ नहीं होता, तो मैंने उड़ाया नहीं। अभी देखते हैं, अभी कुछ देर में निकलेंगे यहाँ से, अगर निकलते समय थोड़ा सा वेदर सही हो गया तो फ्लाई करेंगे ड्रोन को, नहीं तो फिर नहीं कर पाएंगे ड्रोन को फ्लाई। मुझे आवाज़ सुनाई दे रहा है, बारिश आ चुकी है वो भी हैवी फोर्स से। जोर से बारिश आ चुकी है, कुछ ही देरी में मेरे ऊपर बूंदे टपकने वाली है। चलो कैमरा को लेकर टेंशन नहीं है, ड्रोन भी सेफ बैग में है, लेट्स सी क्या होता है। कोई शेड नहीं है, अभी रुकना ही है अपने को बारिश में कैसे भी हालत है। अरे यार अब पेड़ की पत्ती हमारी सहाय करेगा और कोई नहीं। मेरे भाई भी आ रहा है,
भग भग के बेचारा, उसके हाथों में इतने सारे सामान है ना रबर का, वो इडली जैसा जो पीसेस है ना रबर का, वो कलर करके बेचारा लेके आ रहा है। फिलहाल बारिश तो ऊपर में काफ़ी ज़ोर से हो रही है, लेकिन मेरे ऊपर ज़्यादा नहीं गिर रही है, आई थिंक ये घनी पत्तियाँ जो है इसकी वजह से। तो बारिश ने तो सारा प्लान को स्पॉयल कर दिया। सोचा था कि जंगल में जाऊं और भी ढेर सारा वीडियोस बनाऊं और आपको दिखाऊं कि रबर को लिक्विड फॉर्म से सॉलिड फॉर्म में कैसे लाया जाता है, जो प्रोसेस है उसको दिखाऊं, लेकिन इस बारिश की वजह से ना सारा ख़राब हो गया। ड्रोन तो उड़ा ही नहीं पाया, हवा भी चल रहा था और बारिश भी काफ़ी हैवी हो रहा था। यहाँ पर जंगल की जो पेड़ों की वजह से मालूम नहीं चला, लेकिन बाहर में काफ़ी बारिश हुआ। तो चलिए निकलते इस समय यहाँ से, और बहुत जल्द ट्रिप के लिए निकलने वाला हूँ। हिमाचल तो जाने वाला था, पर वहाँ की जो कंडीशन है उसकी वजह से फ़िलहाल स्टॉप करके रखा हूँ प्लान को। तो जल्दी हिमाचल जाने वाला हूँ और आपके लिए लेके आने वाला हूँ ढेर सारा अच्छे अच्छे वीडियोस।